Zombie Apocalypse. तो जैसे कि आपने प्रीव्यू के अंदर वीडियो को वॉच कर लिया है, तो कुछ इस टाइप की जो से वीडियो एडिटिंग है या मैं आपको क्रिएट करना सिखाने वाला हूं। तो वीडियो को गाइस स्टार्ट से लेकर एंड तक आपने जरूर वॉच कर लेना। गाइस आपने मुझे सब चैनल पे फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर और फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन है, तो आपने मुझे फॉलो कर देना। सिंपली गाइस यहां पर आपने करना होगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर टैप कर देना, मैं आपको गाइस एक्सएमएल प्रोवाइड कर दूंगा, वो गाइस यहां पर आपने ओपन कर देनी है। ओपन करने के बाद यहां पर आपने इसके ऊपर टैप कर सिलेक्ट ऑल एयर का टैप कर देना, देन यहां पर टैप करके आपने कॉपी टूल का पर टैप करके सिंपली यहाँ पर आपने बैक चले आना है। देन यहाँ पर आपने प्लस के पर टैप करके इशू यूज करके कोई से भी यहाँ पर आपने क्रिएट प्रोजेक्ट पर टैप कर देना है। यहाँ पर आपको प्लस के पर टैप करके ऑडियो के पर टैप करके यहाँ से आपने कोई जो ऑडियो यूज कर देनी है। सो गाइस यहाँ पर मैं एक वीडियो के ऊपर टैप करके मीडिया से यूज कर लेता हूं। यहाँ पर मैंने एक वीडियो चूज कर दिया, देन थ्री डॉट के पर टैप करके मैं एक्स्ट्रा डॉट के पर टैप कर दूंगा, वीडियो को यहाँ पर मैं डल कर दूंगा। देन सिंपली यहाँ पर टैप करके आपने पेस्ट टूल के ऊपर टैप कर देना है। अब यहाँ पर आपने करना क्या होगा, देन इस लिरिक्स पर टैप कर देना है, जहां पर आपका जहां तक लिरिक्स बनता है वहां तक इसको आपने इंक्रीज करके ले जाना है। पर आपने करना क्या होगा, एडिटर से पर टैप कर देना है, इसको कट कर देना है और यहां पर आपने अपना लिरिक्स जो है पेस्ट कर देना है। यहां से आप कलर भी चेंज कर सकते हो, मैंने ब्लैक रखा हुआ है, देन यहां पर मैं व्हाइट चूज कर दूंगा, देन ओके के पर टैप करके इफेक्ट के पर टैप कर दूंगा। यहां पर आपने गशम डर को ओपन कर देना है, जो सा ऑफसेट रहेगा इसको यहाँ पर आपने जीरो कर देना होगा। यहाँ पर मैं कुछ इस टाइप का जीरो कर देता हूँ, देन यहाँ पर आपने इसको क्लोज करके नीचे रिबन को ओपन कर देना है और जो यहाँ पर जो सा इसका मैग्नीट्यूड रहेगा वो यहाँ पर आपने फुल रख देना है। सो गाइस यहाँ पर मैं इसको फुल वन रख देता हूँ। रख देने के बाद यहाँ पर आप नीचे आके कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, जो भी आप रखना चाहते हो। यहाँ पर मैंने ये वाले दो रखे हैं, पर आपने इसको क्लोज कर देना है, बैग चले आना है। देन यहाँ पर आपने सिक्के पर टैप करके कॉपी लेयर कर देना है। यहाँ पर आपने आगे आ जाने के बाद जहाँ पर आपका सेकंड लेयर बनता है वहां टैप करके आपने पेस्ट लेयर के ऊपर टैप कर, यहाँ पर आपने अपने लेयर्स के अकॉर्डिंग इंक्रीज करके ले जाना है। इस तरह यहाँ पर आपने फुल एंड तक जितने भी आपके लेयर्स है वो टैप कर देना है। सो गाइस यहाँ पर मैंने दो ही लेयर्स टैप किए, इनको मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पर आप देख सकते हो। सिंपली यहाँ पर आपने करना होगा प्लस पर टैप कर देना है, देन यहाँ पर आपने मीडिया के ऊपर टैप करने के बाद पर गाइस मैं आपको जो सी एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा वो यहाँ पर आपने ले आनी है, जो कि गाइस कुछ इस टाइप की यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर जो अगर आपकी लेंथ छोटी पड़ी यहाँ पर आपने इसके ऊपर टैप करके सिंपली यहाँ पर आपने इसको कॉपी करके आगे पेस्ट कर देना है, तो ये डबल हो जाएगी। सिंपली यहाँ पर मैं इसको जो सा इधर ही ट्रिम कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इतनी ज्यादा बड़ी वीडियो बनानी नहीं है। तो ऑडियो को ट्रिम करने के बाद यहाँ पर आपने इसके ऊपर टैप करके ब्लेंडिंग के ऊपर टैप कर देना है, लाइटिंग के ऊपर टैप करके स्क्रीन कर देना है। सिंपली यहां पर आपने बैग चले आना, तो यहां पर आपकी जो से लिरिक्स है वो आपको नजर आ जाएंगे। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी यहाँ पर आप अगर इनको जो सा डायरेक्शन की चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर जाकर आप इनको मूव करवा सकते हो जिधर आप इनको रखना चाहते हो। यहाँ पर गाइस मैं रख के बैग चले आता हूँ, साइज वगैरह भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने करना क्या होगा, प्लस के ऊपर टाइप करके मीडिया के ऊपर टाइप करके यहाँ पर आपने जो सी इमेज है वो एड कर देनी है, जितनी आप एड करना चाहते हो उनसे वीडियो है उसके अकॉर्डिंग आपने जो सी इमेज है वो एड कर देनी है। सो गाइस यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ। लेट्स सपोज गाइस यहाँ पर मैंने ये चार इमेज एड किए एग्जाम्पल के तौर पर, तो आपने करना क्या होगा, यहाँ पर मैं आपको हाइड करके दिखा देता हूँ। जब आप इनको हाइड करेंगे तो एक इमेज जो से आपको नजर आ रही होगी, तो इसको यहाँ पर आपने टर्न करके नीचे की तरफ ऐड कर देना है। यहाँ पर जो है एक बग आया हुआ है काफी टाइम से लाइट मिशन के अंदर, यहाँ पर आपने कुछ इस टाइप का बैग अगर वापस जब आप इंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है वो क्लियर नजर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का आपको नजर आ चुका है, यहाँ पर जो ही ये रिमूव होगा। सो गाइस यहाँ पर तकरीबन यहाँ तक बनता है। सो यहाँ पर आपने जो सी फर्स्ट लेयर वाली इमेज है तो उसको यहाँ पर आपने लिया, यहाँ पर आपने करना क्या होगा, इस वाली जो सी लेयर है इसको यहाँ पर आपने इंक्रीज करके आगे तरफ ऐड कर देना। तो यहाँ पर गाइस इसको यहाँ पर ऐड कर दिया, देन ऐड करने के बाद इसको यहाँ पर आपने नीचे की तरफ ले आना है। देन ले आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हाइट है, फिलहाल आपने इसको अन ऐड कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सी लुक है वो हमें कुछ इस टाइप की नजर आ जाएगी। देन यहाँ पर अब आपने करना क्या होगा, जो ही ये जो सा मतलब ये वाला खत्म होगा यहाँ चले आना है, देन इसको यहाँ पर आपने इसको इंक्रीज कर देना है। देन यहाँ पर आपने इसको भी जो सी थर्ड वाली लेयर है इसको यहाँ पर आपने करना क्या होगा, इस टाइप का कुछ ले आना है। सो गाइस यहाँ पर मैं इसको पहले नीचे की तरफ ले आता हूँ, देन यहाँ पर मैं बैक जाकर इसको यहाँ पर कुछ इस टाइप का ले आते हैं। तो आपने इसी तरह हर इमेज के साथ करना है कि जितनी भी आप इमेज ऐड करना
करना चाहते हो, जितनी आपकी वीडियो है उस हिसाब से यहाँ पर आपने कर लेना है। अगर आप यहाँ पर कुछ स्टेप का छोटा या बड़ा करना चाहते हो, यानी कि यहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगा, पहले यहाँ पर आप ये समझ लें। तो जो ही आप इसको ऐड करेंगे तो कुछ स्टेप का नजर आ जाएगा इस तरह। यहाँ पर जो ये एंड होगा तो वहां तक मैं इसको इंक्रीज करके ले जाऊंगा। जैसे यहाँ पर कुछ स्टेप का मैं इसको इंक्रीज करके ले गया। अब यहाँ पर आपने इसको भी अनडन कर देना है। देन अनडन करने के बाद यहाँ पर मैं आ जाऊंगा, इसको नीचे की तरफ ऐड कर दूंगा। देन यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। देन गाइस इतना कर लेने के बाद यहाँ पर आपने इसी तरह फुल एंड तक जितने भी आपके पिक्चर्स है वो यहाँ पर आपने ऐड कर देनी है। जैसे कि यहाँ पर गाइस मैंने ऐड कर दिए। अब यहाँ पर आपने करना क्या होगा, बारी बारी ये जो सी इमेज वाली है इनको यहाँ पर आपने नीचे की तरफ ऐड कर देना है, ताकि जो लेरी से गाइस वो यहाँ पर ऊपर की तरफ ऐड हो जाए। सो गाइस यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लिरिक्स है वो ऊपर जो से ऐड हो चुके हैं। कलर वगैरह आप अपने हिसाब से दे सकते हो, मैंने आपको पहले बता दिया। सिंपली यहाँ पर आपने सेलफोन तक लिरिक्स भी टैप कर देने हैं और इमेज भी यहाँ पर आपने ऐड कर देनी है। देन यहाँ पर आप इमेज के साथ अगर छोटा हो तो 3 डॉट के ऊपर टैप करके कम्पोजिशन एरिया के ऊपर टैप कर सकते हो। आपने करना क्या होगा, सिंपली यहाँ पर गाइस अभी आपको इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि वही बग वाला प्रॉब्लम है। सिंपली यहाँ पर मैं बैक चलाता हूँ और अगेन से ओपन कर दूं। देन ओपन करने के बाद यहाँ पर आप जैसे जो सा हमारी वीडियो काफी अच्छी स्मूथ लग रही है और वर्क भी अच्छा कर रही है। देन यहाँ पर आपने सीसी वाला जो सा इफेक्ट है आपको लेयर जो सी प्रोवाइड की हुई है वो यहाँ पर आपने ऊपर ऐड कर देनी है। यहाँ पर ऐड करने के बाद इसको यहाँ पर आपने फुल एंड तक ले जाना है, यानी कि यहाँ पर मैं टैप करके टाइमिंग और आप यूज करके जो सा फुल एंड तक लिया तो अब यहाँ पर आप जैसे तो काफी ज्यादा जो सी अमेजिंग हमें लुक प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से देख सकते हो, मैं तो यहाँ पर आप कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर गाइस जो से मुझे दूसरी वीडियो सेंड की गई थी जो कि आपने प्रीव्यू के अंदर भी देखी, उसके लिए गाइस यहाँ पर मैं आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस तरह की व्हाइट जोन सी दो मैंने वीडियो एक ऑलरेडी क्रिएट की हुई, अगर ये वाला आप व्हाइट इफेक्ट नहीं लगाना चाहते हो वीडियो उसमें देख सकते हो। तो सजेशन वीडियो में पहली जो वीडियो है यहाँ पर अगर आप लिरिक्स ये वाला नहीं यूज करना चाहते हो तो इसके लिए परफेक्ट जो सा लिरिक्स है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। वीडियो का लिंक तो आप उस वाला वो वाला जो लिरिक्स कर सकते हो, वरना यहाँ पर जो सा व्हाइट वाला इफेक्ट है उसके भी जो मैंने वीडियो उसके ऊपर वीडियो क्रिएट की हुई उसका लिंक भी मैं सजेशन के अंदर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आपने वो भी देख लिया। जो भी अच्छा लगे आपको वाला यूज सकते हो। टेंशन यहाँ पर आपने करना होगा इस लेयर के ऊपर टैप कर देना। अब यहाँ पर आप इसको कट करना चाहते हो, यहाँ पर आपने इस तरह कट कर देना। कट करने के बाद सिंपली बैक चले आना। अब जो ही लिरिक्स स्टार्ट हो तो वहां से आपने अगेन से इस तरह ट्रिम टू मिट कर देना ताकि मिट से ट्रिम हो जाए। तो सिंपली यहाँ पर आपने लिरिक्स के स्टार्ट में आना है जहां से आपका लिरिक्स स्टार्ट हो रहा है। काफी ज्यादा जो सा अमेजिंग हमें लुक प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर मैं बैग आकर आपको दिखा देता हूँ। अगेन से जब मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफी ज्यादा जो से हमें अमेजिंग लुक प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसी तरह आपने छोटे छोटे जो पीसेज में इसको कन्वर्ट कर देना। जो ये चला जाएगा तो काफी ज्यादा अमेजिंग हमें लुक प्रोवाइड करेगा। इस तरह यहाँ पर आपने कट करके भी लगा सकते हो। इस तरह जो सा एक ही जो सी वीडियो है वो क्रिएट कर सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ पर गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद होगी। अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया तो बेल लाइक जरूर कर दीजिए, मैंने तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो गाइस मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।